ये है वाइल्ड जास्मिन दोस्तों, उसका मैंने इसी सीज़न में रिपोर्टिंग किया था। मगर रिपोर्टिंग के बाद हमें सभी प्लांट में 100% सक्सेस तो नहीं मिलती, तो उस केस में ऐसा ही हुआ है। यहाँ बहुत सारा डाईबैक है। मैं बाहर चला गया था तो थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया था ये प्लांट, तो यहाँ सब ब्रांच में एक ही ब्रांच यहाँ बची है, तो उसको हमें ट्रिमिंग करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। शायद एक ही ब्रांच बची है, बाद में हमें फ्यूचर में से हटाना भी पड़ेगा। यहाँ भी एक दो ब्रांच है तो ब्रांच नहीं आएगी, कैसे? तो ट्रिमिंग करके ग्रोथ को हमें बैलेंस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ वाइल्ड ग्रोथ हो गया है और यहाँ कोई ग्रोथ नहीं। तो जब तक हम इस ब्रांच को कट नहीं करेंगे, नीचे ग्रोथ नहीं होगा। उसकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो गई थी, क्योंकि थोड़ा डिहाइड्रेट भी हो गया था, मुझे बाहर जाना हो गया था रिपोर्टिंग के बाद, तो उसको मैंने वाटर पॉट में ही रखना पड़ रहा था अभी। तो उसकी इम्यूनिटी अभी थोड़ी ठीक हुई है, तो मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। यहाँ से एक आध ब्रांच हो गई तो चलेगा, एक और हो गया। यहाँ फ्रंट में ब्रांच है, चलेगी। यहाँ देखिए, ये नीचे वाली ब्रांच पूरी ऊपर तक चली गई है, तो उसको मुझे ट्रिमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ तो दो ब्रांच चाहिए। यहाँ भी सब डाईबैक हुआ है, तो नए ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए यहाँ ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। इसका शेप भी देखिए बहुत ही अच्छा था, मगर सब बेकार चला गया है। और यहाँ हमें शायद एक नई ब्रांच डेवलप कर सकते हैं, गैप ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी ब्रांच यहाँ एक इंटरनेट छोड़ कर किया है मैंने प्रिंटिंग। और यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई ब्रांच की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हटा देंगे। यहाँ एक ही इंटरनोड रखते हुए हम उसको प्रूनिंग कर देंगे। यहाँ भी तो ये हो गया ट्रिमिंग। प्लांट का शेप बहुत ही अच्छा था, मगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिर भी प्लांट सरवाइव हो गया है। उसको भी मैंने वाइट वाइल्ड हार्वेस्टिंग से ही ग्रो किया था। उसका वीडियो कैसे मैंने उसका रिपोर्टिंग किया था वो भी है। और ये पॉट देखिए, इसकी टेक्सचर, ये मैं बनाता हूँ, उसका भी वीडियो हम कभी डालेंगे कि कैसे बनाएंगे। जितना हो सके जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा। तो सीमेंट का ही पॉट है, देखिए उसका नेचुरल टेक्सचर देखिए, आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगा शायद। कुछ ही लोग है जो बनाते हैं, वो भी इंडिया से नहीं है। ये स्टोन होम है बनाया हुआ, वो भी कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।